अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हमारा मक्कातुल मुकर्रमा में चौथा दिन था। अल्लाह ताला ने अपने काबा के सामने फजर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, उसका लाख लाख शुक्र। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग होटल आए, होटल में आराम किया। जब दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि भाई इतने अरसे बाद मौका मिला है तो क्यों ना इस मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने अपना अहराम पहना और मैं मस्जिद आयशा की तरफ रवाना हो गया, जो मीकात है मक्का की सबसे करीबी, जहाँ से लोग उमरा की नियत करके अहराम पहन के वापस आके उमरा करते हैं। तो मैं बस स्टॉप पे पहुंचा, बस स्टॉप पे बहुत रश था क्योंकि फ्री सर्विस थी और अचानक उमरा खुला था, सब कुछ अचानक ही खुला था, रिस्ट्रिक्शंस हटी थी तो आवाम का इतना रश था। इस वजह से उस बस सर्विस फ्री थी और उस पर रश इतना था कि मुझे काफ़ी देर वहाँ वेट करना पड़ा। मैं पसीने पसीने हो गया, थक गया था और क्या कहते हैं, उस वक्त रमज़ान तो नहीं था लेकिन मैं बार बार पानी पिए जा रहा था और पसीना पानी की तरह बह रहा था। बस में रश होने की वजह से अक्सर आवाम नीचे बैठी थी, मैं ख़ुद नीचे बैठा हुआ था बस में, थोड़ी देर खड़ा हुआ, थोड़े क्लिप्स वगैरह बनाए, फिर नीचे बैठ जाता था। लेकिन ये अच्छी बात है, बस में एसी चल रहा था। अच्छा, वहाँ जितना इंतज़ार किया था ना, वेट किया था, पसीने पसीने हो गए थे। बस में अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त एसी चल रहा था, सारा पसीना खुश्क हो गया और काफ़ी अच्छी सहूलत है फ्री में, तो बेहतरीन है। अभी हम हरम की हदूद से बाहर आ चुके हैं। ये मस्जिद आयशा है, मीकात है, ये मेरे पीछे वुज़ू खाने हैं जहाँ पे अभी जो घर से होटल से करके आए हैं, नहा के आए हैं, तो वो अच्छी बात है वरना यहाँ पे भी अहतमाम है। ये पीछे वज़ू खाने हैं और फिर यहाँ से आगे जाते हैं मस्जिद आयशा। ये प्यारी खूबसूरत बड़ी मस्जिद बनाई है।
अभी यहाँ पे आके आपने क्या कहते हैं सबसे पहले मस्जिद में एंटर होने के दो नफिल पढ़ने, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं तहियातुल मस्जिद। उसके अलावा आपने एहराम पहन के दो नफिल अदा करके शुक्राने के, उसके बाद उम्र की नियत करनी है कि या अल्लाह मैं आपके घर की ज़्यारत की नियत करता हूँ, उम्र की नियत करता हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं और मेरे लिए आसान फरमाएं। और फिर यहाँ से निकल के आपने मस्जिद से बाहर आना है और बस में बैठना है ताकि बस आपको वापस हरम लेके जा सके। अच्छा, मस्जिद आयशा में नवाफिल पढ़ के, उम्र की नियत करके, एहराम की नियत करके, एहराम पहन के, उसके बाद सब कुछ करके आप मस्जिद आयशा जैसे ही बाहर निकलेंगे तो रोड जब जिस तरफ आपको बस ने उतारा था उसके ऑपोजिट साइड आप पुल क्रॉस करके जाएंगे तो आपको बस दोबारा वहीं से पिक करेगी जो आपको वापस ला के हरम पे। सामने हरम सबसे पहले अंदर जाएंगे मस्जिद में और तहियात को मस्जिद पढ़ने, मस्जिद में एंटर होने, शुक्राने के नगर, उसके बाद क्या कहते हैं एतकाफ़ की नियत करनी है कि भाई अल्लाह जब तक हम इस मस्जिद में रहें एतकाफ़ की नियत करते हैं तो उसमें आपको उम्र का भी सवाब मिलेगा, नमाज़ पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और एतकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। तो थैंक्स मी लेटर। ये जो आप जगह देख रहे हैं वो ऑरेंज ऑरेंज वो कुछ ऐसा बना हुआ है। अच्छा, ये वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को। अच्छा, उम्रे का एक ऐसे ख़ास वो होता है ना कि जब मैं तवाफ़ कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था कि भाई मैं क्या, तवाफ़ के अलावा कुछ और बात याद ही नहीं रहती थी, तो मैं इसलिए तवाफ़ के दौरान क्लिप्स रिकॉर्ड किए ही नहीं है कोई। तो बस आप मैंने तवाफ़ किया, उसके बाद सफ़र मरवा चले जाता, सफ़र मरवा पे जाके याद आता था यार कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ रिकॉर्ड कर, तो फिर सफ़र वहाँ से उमरा मैं अंदर गया, तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद दो रकात नफिल पढ़े मकाम इब्राहिम पे, जमजम पिया और फिर डायरेक्ट सफ़र मरवा पे चला गया। काबा के सात चक्कर मतलब यानी तवाफ़ के बाद आप हजरे अस्वद पे आखिरी सलाम करके जाएंगे सीधा मरवा की तरफ, सफ़ा की तरफ। सफ़ा और मरवा के सात चक्कर काटने बीबी हाजरा की सुन्नत अदा करने। तो असल में उमरा और हज पूरा हज़रत इब्राहिम और उनकी फैमिली से रिलेटेड है। मकाम इब्राहिम पे दौरा का नमाज अदा करना, जमजम हज़रत इस्माइल के पैर रगड़ने की वजह से निकला तो जमजम भी पीना है, फिर बीबी हाजरा ने सात चक्कर लगाए तो आपने भी सात चक्कर लगाने हैं। तो और भी मैं आपको इसकी बाफजीलतें बताता रहूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ सफ़र की तरफ। सफ़र पे जाके सफ़र और मरवा के सात चक्करों की नियत करूँगा और फिर सात चक्कर लगा के उसके बाद हलक कराने जाएंगे दोबारा से। इधर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए दो नफिल अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बख़ैर वाफियत सात चक्कर पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र। यह है सफ़ा की वो तारीखी पहाड़ी जिस पे अम्मा हाजरा बीबी हाजरा ने चक्कर लगाए, क्योंकि उसी पे मैं खड़ा हूँ। थोड़ा सफ़े ला लिए, कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद है,
वरना ये खुली होती थी और इस पर आराम करके कसम से जो सुकून यहाँ मिलता था सारी थकावट उतर जाती थी। अच्छा, सफ़र मरवा की सही करने के बाद फिर मैं बाहर आया, बाहर आके हलक कराया और उसके बाद मैं हरम में ही बैठ गया क्योंकि पता नहीं शायद गलबन मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो फिर मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी। खाने का ऊपर जो छत वाला एरिया है ना, मताफ़ तवाफ़ जहाँ करते छत पे, तो फिर वहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। वैसे तो जब भी आप उमरा करके बाहर निकलेंगे तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारे लोग घेर लेंगे, मतलब कि भाई हलक ट्रेंड ये है वो बोलते हुए। तो मेरी प्रो टिप यह है कि अगर आप उनसे कम करवा सकते हैं, मतलब बोलेंगे वो 10 रियाल 15 रियाल आप 5 रियाल तक उनको कन्विंस करें। ये 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, अगर बाद में कभी कोई वीडियो देखेंगे आप पता महंगाई हो जाए या कम हो जाए, तो ये 2022 में अगर 5 रियाल तक आ जाते हैं तो आप उनसे करवा लें बाहर। लेकिन अगर 5 रियाल से वो कम नहीं आते तो मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, आपने करना क्या, आप डायरेक्ट किसी भी बारबर की शॉप के पास जाएँ, उसको बोलें भाई 5 रियाल में करते हैं तो वो कर देगा, क्योंकि इनका होता है कमीशन, ये लेके जाते हैं तो वो फिर लाजमी सी बात है उनको इनको देने पड़ते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी दुकान पे जाएंगे उसको बोलेंगे 5 रियाल, और कोशिश करें पाकिस्तानी बारबर के पास जाएं, आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी बारबर के पास जाएं या इंडियन के पास चले जाएँ, और अगर आप बांग्लादेशी हैं तो आप बंगाली बारबर के पास जाएँ, और जिस आप कंट्री के होंगे कोशिश करें आप उसी कंट्री के बारबर के पास जाएँ, तो आपको मतलब समझ रहे हैं ना कि सस्ता पड़ सकता है, तो भाई बंदी में वो कर देगा। 5 रियाल एनफ है, मैं जाऊँगा अभी 5 रियाल में इंशाल्लाह करवाऊँगा।